कोरोना महामारी से एक और पूरी दुनिया परेशान है। तब कोरोना महामारी से जुड़ी कोई अच्छी खबर आती है तो अच्छा लगता है, सुरक्षित महसूस होता है। ऐसी ही एक खबर वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन से आई है, जहां के शोधकर्ताओं की ओर से एक रिसर्च में सामने आया है कि हल्के लक्षण वाले कोरोना के जो मरीज हैं उनका शरीर लगातार एंटीबॉडी बना रहा है। जी हाँ, हल्के लक्षण वाले यानी कि जिन मरीजों को होम क्वारंटीन में ही ठीक किया गया है, उनका शरीर लगातार कोरोना के खिलाफ रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी कि एंटीबॉडी बना रहा है। सबसे बड़ी राहत वाली खबर तो ये है कि कोरोना के पहले लक्षण वाले मरीज 11 महीने बाद भी उनका शरीर एंटीबॉडी लगातार बना रहा है, उनके शरीर में एंटीबॉडी लगातार विकसित हो रही है। अमेरिका के सेंट लुइस स्टेट वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के रिसर्चर का ये अध्ययन 24 मई को प्रकाशित हुआ था। साइंटिस्ट ने बताया कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने के कुछ महीनों बाद भी लोगों में कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी सेल्स यानी प्रतिरक्षक कोशिकाएं काम कर रही है। कोरोना वायरस के खिलाफ ये कोशिकाएं प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर रही है। हैरान करने वाला खुलासा ये है कि एंटीबॉडी जीवन भर आपके शरीर में रह सकती है, यानी आपके शरीर में आपके पूरे जीवन काल के दौरान ये प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी कि आप कोरोना वायरस से संघर्ष कर सकें। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर और इस स्टडी के लेखक अली एल बेडी ने कहा है कि कोरोना वायरस की पहली लहर यानी पिछले साल गर्मियों के दौरान ऐसी खबर सामने आई थी कि संक्रमण के बाद एंटीबॉडी ज़्यादा दिनों तक शरीर में नहीं रहती, लेकिन ये सच नहीं है। संक्रमण के बाद एंटीबॉडी कम होती है, इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है, लेकिन वापस ये रिकवर कर लेती है। अली एल बेडी ने कहा कि संक्रमण के बाद शरीर में इम्यूनिटी कम होना एक आम बात है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती है। हमने अपनी जांच में पाया है कि पहले लक्षण के 11 महीने बाद भी लोगों के शरीर में एंटीबॉडी बन रही है। ये एंटीबॉडी सेल्स जीवन भर के लिए लोगों को कोरोना वायरस से बचाने में मदद करेगी। ये कभी खत्म नहीं होगी। जैसे ही वायरस का शरीर पर हमला होगा, ये वापस जाग जाएगी और वायरस के साथ संघर्ष करती रहेगी, ताकि आपके शरीर से जल्द इसे निपटारा मिला जा सके। अली एलबेडी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान जो एंटीबॉडी विकसित होती है वो इम्यून सेल्स को बांटती है यानी विभाजित करती है। ये धीरे धीरे उक्तों और खून में पहुंच जाती है। इससे एंटीबॉडी का स्तर शरीर में तेज़ी से बढ़ता है। ये एंटीबॉडी जिन कोशिकाओं से बनती है उन्हें प्लाज्मा सेल्स कहते हैं। प्लाज्मा सेल्स हड्डियों में मौजूद बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में जाकर रहती है। हालांकि इनकी संख्या कम होती है, लेकिन जैसे ही शरीर में वायरस का आक्रमण होता है ये सक्रिय हो जाती है और तेज़ी से विभाजित होकर अपनी संख्या बढ़ा लेती है और वायरस से युद्ध करने लगती है। यही एंटीबॉडी शरीर को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाती है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।